गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है, इसके टारगेट ऑडियंस हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स को रीड कर रहे हैं या उनके कोर्स में है। सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब तक हमने जो कवर किया लास्ट पिछले पार्ट में, पार्ट वन में, वो था कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स और उसके एप्लीकेशंस, मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, पैकेट स्विचिंग और उसके एडवांटेजेस, टॉपोलॉजीज ऑफ नेटवर्क अब तक हमने ये किया। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, लैन, मैन, वैन, पैन, और डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जो बाकी के जो पार्ट दिख रहे हैं नीचे जो कंटेंट्स में, वो थर्ड पार्ट में कवर करेंगे हम लोग। तो इस लेक्चर के लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स का जब हम डिस्कस करते हैं, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को जब हम नेटवर्क को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम दो पैरामीटर्स के ऊपर उसको मेनली क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसको पहली बात तो हम ये देखते हैं कि उसका ज्योग्राफिकल स्केल के लेवल पर, यानी ज्योग्राफिकल यानी भौतिक विस्तार के रूप में, वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसके आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं। और उसके साथ में हम उसकी ओनरशिप भी देखते हैं कि क्या उसकी ओनरशिप किस टाइप की होगी, प्राइवेट होगी, एक सिंगल पर्सन की होगी, या ऑर्गेनाइजेशन की होगी, किसी संस्थान की होगी, या फिर किसी पब्लिक डोमेन की होगी या गवर्नमेंट की होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो टाइप है टाइप्स ऑफ नेटवर्क का, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये ज्योग्राफिकल स्केल पर देखें तो ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है। ये एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो ज्योग्राफिकल स्केल या एक्सपेंशन है, वो एक रूम में या एक छोटी बिल्डिंग तक इसका स्केल होता है, या आसपास के रूम्स में हो सकता है एक ही बिल्डिंग के। नॉर्मली ये एक ही रूम में होता है लगभग लगभग, जैसा हम लोग स्मार्टफोन से जब वाईफाई का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो बाकी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो जो रेंज लगभग हमारे हॉटस्पॉट की होती है, लगभग उसी रेंज के अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क काम करता है। मेनली ये वाईफाई के थ्रू ही ऑपरेट करता है। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड नेटवर्क होता है। केवल और केवल ऑथराइज्ड यूजर ही इससे आकर के जुड़ सकते हैं। ऑथराइज्ड यूजर जिनके पास में हमारा यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। यूजर नेम तो हमें वाईफाई में दिख ही जाता है, पासवर्ड हमें हम जिन ऑथराइज्ड यूजर को बताते हैं केवल वही उसके अंदर लॉग इन कर पाते हैं। ये मेनली एक व्यक्ति विशेष के द्वारा केवल उसके पर्सनल वर्क के लिए ही, या उसके पर्सनल डिवाइसेस जैसे फोन, स्मार्ट फोन है या लैपटॉप है, या वाईफाई इनेबल्ड प्रिंटर है, या कुछ और ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे वाईफाई इनेबल्ड कैमराज आते हैं आजकल, तो वो सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग पैन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मोबाइल हॉटस्पॉट है या वाईफाई का रूटर है। ऑनरशिप जो होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, ये मेनली प्राइवेट नेटवर्क की तरह ही होता है। पब्लिक एरिया नेटवर्क्स के रूप में जो पैन है वो कम ही डिजाइन किया जाता है। कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम होती है इसकी, इजीली इसको मेंटेन किया जा सकता है। एक ही डिवाइस से सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो एक डिवाइस को मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। ज्योग्राफिकल स्केल पे देखें तो एक रूम पे या एक छोटी बिल्डिंग या उस रूम के आसपास के जो रूम्स हैं उसी में इसका एक्सेस होता है। एक बड़ी बिल्डिंग में भी ये पूरा कवर नहीं कर पाता है। तो सिंगल बिल्डिंग अगर हम देखें तो उसमें कवर नहीं किया जा सकता। मेनली इसको रूम नेटवर्क के रूप में ही क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये पैन एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये एक सिंगल कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स या ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने वाले होते हैं, उन सभी को आपस में कनेक्ट करता है। मेनली ये जो नेटवर्क होता है इसकी ऑनरशिप है वो 99% तो प्राइवेट ही होती है या एक ऑर्गेनाइजेशन की ही होती है, पर कभी कभी ये नेटवर्क्स पब्लिक नेटवर्क के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। पर 99% ये प्राइवेट नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क ही होते हैं। नॉर्मली जो है ये वायर्ड कनेक्शन से बनाए जाते हैं, पर वाईफाई इनेबल्ड जो लैन है वो भी आजकल चलन में है। इसकी कॉस्ट है वो बहुत लो होती है, इजीली मेंटेन किया जा सकता है।
ज्योग्राफिकल स्केल पे देखें तो एक कैंपस, उस कैंपस में एक बिल्डिंग भी हो सकती है और एक से ज्यादा बिल्डिंग्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है जिसके अंदर तीन चार बिल्डिंगें कॉलेज की खुद की हैं, उसके अलावा एक हॉस्टल की है, एक सिक्योरिटी रूम है, ऐसे कई सारे मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं। अगर उन सारी बिल्डिंग्स के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने वाला जो नेटवर्क है उस सिंगल कैंपस के अंदर, तो वो सारा नेटवर्क क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड टाइप का जो नेटवर्क है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें ये जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया से थोड़ा बड़ा होता है, ये कई सारे लोयन से मिलकर के एक मैन बनता है। इसकी जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं वो एक सिटी के रूप में डिफाइन की गई हैं, कि एक सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो आपस में जो मिल करके एक नेटवर्क बनाते हैं, तो रिजल्टेंट नेटवर्क जो है उसको हम मैन कहते हैं या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ज्योग्राफिकल लिमिट विद इन ए सिंगल सिटी। ऑनरशिप मेनली या तो ऑर्गेनाइजेशनल होती है या पब्लिक होती है। कॉस्ट है वो मॉडरेट यानी काफ़ी हाई होती है, एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, मॉडरेट मतलब बीच के दर्जे की होती है, तो नॉर्मली एक सिंगल पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो या तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे टेलीफोन कंपनीज हैं या फिर पर्टिकुलरली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज हैं वो देते हैं या कंपनीज अपने स्तर पर डेवलप करती हैं। मेंटेनेबिलिटी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि मैन पावर काफ़ी चाहिए, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी बड़ा होता है, एक सिटी के अंदर होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क है वो थर्ड टाइप का है। फोर्थ जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे मैन से मिलकर के बना होता है और ज्योग्राफिकल लिमिट्स के रूप में यहाँ पर कोई भी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की गई हैं। ये मल्टीपल कंट्रीज में भी फैला हो सकता है, तो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में भी फैला होता है, यानी विश्व स्तर का नेटवर्क हो सकता है। अगर ये पूरे ग्लोब को आपस में जोड़ता है यानी दुनिया के सभी देशों को जोड़ता है तो वैन को ही हम ग्लोबल एरिया नेटवर्क के रूप में भी जानते हैं। मेनली इसको जब हम बनाते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत लंबा और वास्ट एरिया है तो सिग्नल्स को बार बार रिपीट किया जाना मुश्किल होता है, तो उस चक्कर से हम लोग इसको डिजाइन करते वक्त जो है वो वैन जब डिजाइन की जाती है तो ऑप्टिकल फाइबर्स से की जाती है। ज्योग्राफिकल लिमिट, बहुत वाइड या कोई लिमिट डिफाइन नहीं की गई है, मेनली ये मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल कंट्रीज में फैला हो सकता है। ऑनरशिप मेनली पब्लिक या ऑर्गेनाइजेशनली हो सकती है। कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होती है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो केबल डालने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। मेंटेनेबिलिटी भी काफ़ी डिफिकल्ट होती है, कॉस्ट जो मैन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है इसको मेंटेन करने में। स्पीड देखा जाए तो इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है, अगर हाई नहीं होगी तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे इसके और उनको स्पीड मिलेगी नहीं, इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी हाई रखी जाती है। नॉर्मली टेराबाइट्स पर सेकंड की स्पीड नॉर्मली वैन के अंदर होती है। अब इसमें एक रिलेशनशिप है देखा जाए तो मैंने उसको जो है ग्राफिकली डिफाइन करने की कोशिश की है। ये यहाँ पर देखिए पैन है, पैन जो है वो एक सबसेट है लैन का, लैन जो है वो मैन का, मैन का मैन जो है वो वैन का। तो देखा जाए तो ज्योग्राफिकली यानी जो सबसे वास्ट है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेड है वो वैन है और जो स्मॉलेस्ट नेटवर्क है वो पैन है। यहाँ पर कोस्ट, स्पीड और मेंटेनेंस कोस्ट जो है, कोस्ट जो है वो इंस्टॉलेशन कोस्ट है, स्पीड नेटवर्क की स्पीड और मेंटेनेंस कोस्ट यानी जो बाद में इंस्टॉलेशन के बाद में जो उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है उसको हम मेंटेनेंस कोस्ट कहते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है ज्योग्राफिकल स्केल पर, जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो उसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ती जाएंगी, अगर नहीं होंगी जैसे स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो उस एरिया में जो एक रूम के अंदर 10 आदमी कनेक्ट हो सकते हैं, 10 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, तो एक सिटी के अंदर लाखों डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, तो कंट्री में करोड़ों अरबों डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, तो स्पीड अगर नहीं होगी तो सभी लोग सफर करेंगे, तो स्पीड भी बढ़ती है। अब बात आती है कम्युनिकेशन के मेथड्स की।
तो जब भी कंप्यूटर में कम्युनिकेशन हो सकता है या किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कम्युनिकेशन हो सकता है तो दो टाइप का हो सकता है, एक डिजिटल कम्युनिकेशन हो सकता है और दूसरा एनालॉग कम्युनिकेशन हो सकता है। तो जो एनालॉग कम्युनिकेशन होता है उसमें जो डेटा भेजा जाता है वो साइन वेव्स की फॉर्म में भेजा जाता है, यानी एक कंटिन्यूस वेव होती है, वेव फॉर्म लाइक दिस वन। ये जो वेव होती है इसको हम साइन वेव कहते हैं, ये कंटिन्यूस वेव है जो जीरो पॉइंट से उठती है, धीरे 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 इसका वैल्यू बढ़ती है, फिर पीरियडिकली वापस से घटती है, एक फेज तक घटती है, फिर से वापस से इंक्रीज होती है। तो इस टाइप की वेव को, कंटिन्यूस वेव्स को हम साइन वेव कहते हैं। जबकि जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें कभी भी कंटिन्यूस वेव या इस साइन वेव का यूज़ नहीं होता, उसमें स्क्वायर वेव का यूज़ होता है। स्क्वायर वेव में दो लेवल्स होते हैं, दो डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। हाई लेवल जो होता है वो नॉर्मली 5 वोल्ट पे होता है और लो लेवल जो होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो 0 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करते, और अगर 1 सप्लाई आप उन्हें ट्रांसमिट करना होता है तो हम एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है और क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है एनालॉग कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनालॉग कम्युनिकेशन जो है वो साइन वेव यूज करता है। एनालॉग कम्युनिकेशन में जो साइन वेव होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है टाइम के साथ में। किसी भी टाइम मोमेंट के ऊपर आप उसको मेजर करोगे तो हर एक टाइम मोमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो सिग्नल के पावर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सिग्नल की पावर जो है हर एक टाइम मोमेंट पे चेंज होती रहती है। जब भी हमें किसी एनालॉग सिग्नल की किसी पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे अगर उसकी वैल्यू पता करनी होती है या पावर की वैल्यू को हम मेजर करना चाहते हैं तो हमें सैम्पलिंग करनी होती है, उस टाइम पर हम उसका एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं। और नॉर्मली हम जब भी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो हम रेगुलर इंटरवल पर सैम्पलिंग करते हैं और उसकी पावर को मेजर करते हैं एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पर। एनालॉग सिस्टम्स होते हैं उसमें मल्टीपल सिग्नल लेवल्स होते हैं तो इनको डिजाइन करना बहुत हार्ड होता है। ये जो कम्युनिकेशंस हैं, एनालॉग कम्युनिकेशंस हैं या एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो वॉइस कम्युनिकेशंस के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं। ओल्ड टेलीफोन नेटवर्क्स जो होते थे वो एनालॉग सिस्टम्स पे ही काम करते थे, तो साउंड जनरेशन थी वो एक कंटिन्यूस वेव के रूप में ही होती है। तो स्पीकर्स हैं या जो माइक होता है रिकॉर्डिंग के लिए, वो इस टाइप के कम्युनिकेशन को इजीली जनरेट रिकॉर्ड कर पाता है। जब भी हम एनालॉग सिग्नल्स की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। एम्पलीफायर क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, पर इसके साथ में एक प्रॉब्लम भी है कि जब भी हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो एम्पलीफायर एक्चुअल डेटा सिग्नल्स के साथ साथ में अगर कोई भी नॉइज सिग्नल्स भी आ गए तो उनको भी एम्पलीफाई करता है, और वो कुछ टाइम के बाद में हो सकता है कि एक्चुअल डेटा को ही हाइड कर ले और नॉइज सिग्नल बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होकर के उसको करप्ट कर दे। इसके अंदर जो नॉइस होता है वो काफ़ी हायर होता है। इस टाइप के सिस्टम्स की जो कॉस्ट होती है वो लो कॉस्ट के होते हैं, इनके लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए पावर की रिक्वायरमेंट जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो हायर पावर की रिक्वायरमेंट होती है। लो फिडेलिटी, लो फिडेलिटी का मतलब है कि जैसा सिग्नल सेंडर ने भेजा एग्जैक्टली वैसा का वैसा क्या जो रिसीवर है उसने प्रोड्यूस कर पाया। तो ये जो डिफरेंस होता है अगर सेम टू सेम कर पाया तो फिडेलिटी है वो 100% है, अगर जितना वेरिएशन आता जा रहा है, जितना उसके अंदर नॉइस आता जा रहा है, तो ये जो डिफरेंस होता है वो उसके अकॉर्डिंग लो होती जाती है उसकी फिडेलिटी। ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए सूटेबल है। इसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन की हेल्प से करते हुए हम भेज सकते हैं। अब इसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कैसे एनालॉग सिग्नल्स की सहायता से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं।
तो सबसे पहले जो सेंडर होता है वो सेंडर इनपुट ट्रांसड्यूसर, सपोज मेरे को एक मेरा वॉइस सिग्नल जो है वो भेजना है, या फिर जो है मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर जो होगा वो माइक होगा इस केस में, वो मेरे पहले सबसे जो सिग्नल्स होंगे वॉइस सिग्नल्स उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होंगे वो यहाँ पर जाएंगे, फिर वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हुए वो थोड़े वीक होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेट में हम क्या करते हैं एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के रूप में दूसरे सिग्नल के ऊपर इम्पोज कर देते हैं और उसके ऊपर ट्रेवल करके भेजते हैं, वो चैनल में इंड्यूस कर देते हैं। चैनल में अगर बीच रास्ते में कहीं से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ जाता है, आसपास में कोई लाइन गुजर रही है डेटा लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन, तो उसकी वजह से कोई ना कोई नॉइस आ जाता है। तो जब लास्ट में पहुंचता है रिसीवर के एंड पर, तो हम डीमॉड्यूलेट करते हैं जो एम्पलीट्यूड या एंगल मॉड्यूलेशन के माध्यम से हमने हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के रूप में जो दूसरा सिग्नल लिया था हम उसको हटाते हैं और एक्चुअल डेटा सिग्नल को आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास भेजते हैं, यानी स्पीकर के पास भेजते हैं, और वो रिसीवर को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम होता है। जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं लो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स, यानी जो हमने वॉइस जनरेट की थी उसको, तो वॉइस सिग्नल्स को हम क्या करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स एक नए आर्टिफिशियल जो सिस्टम के द्वारा सिग्नल्स लिए जाते हैं जिनकी काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी हाई पावर होती है, उनके ऊपर हम इम्पोज करते हैं, इम्पोज करके उसको कैरियर सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करते हैं और वो लास्ट में रिसीवर के साइड में हटा दिए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के ऊपर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को इम्पोज करके ट्रांसमिट करते हैं, तो ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। और रिसीवर साइड में हम जब वापस से जो कैरियर सिग्नल है उसको हटा के एक्चुअल डेटा सिग्नल को रिसीव करते हैं या सेपरेट करते हैं, तो इसको डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है वो डिजिटल कम्युनिकेशन है। इस डिजिटल सिग्नल में हम क्या करते हैं स्क्वायर वेव का यूज करते हैं। स्क्वायर वेव में कंटिन्यूस वेव ना होकर के डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, अलग अलग वैल्यूज के सिग्नल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये नॉर्मली जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो और वन की फॉर्म में होते हैं। कोई भी डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना आसान होता है क्योंकि उसमें केवल दो ही सिग्नल लेवल्स हैं, जीरो और वन। जीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन, यानी एक इलेक्ट्रिक पल्स, तो इनको इजीली हम डिजाइन कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक डिजिटल सिग्नल्स हैं उनका जो ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स डिजिटल सिग्नल्स हम प्रोड्यूस करता है, वो सेंस एनकोडर के पास, सोर्स एनकोडर के पास जाता है। ये क्या करता है उस एनालॉग सिग्नल को पहले सैम्पलिंग करता है, कंपाउंडिंग करता है, और उसके बाद में चैनल एनकोडर के पास में भेजता है। चैनल एनकोडर क्या करता है डेटा कंप्रेशन करता है। डेटा कंप्रेशन के अलावा डेटा करेक्शन एरर करेक्शन कोड्स उसमें जोड़ देता है। इसके अंदर जो चैनल एनकोडर है वो एरर करेक्शन कोड्स भी साथ में ऐड कर देता है, डेटा कंप्रेशन करता है, कोई एनक्रिप्शन अगर करना हो तो वो भी चैनल एनकोडर ही करके देता है हमें। फिर नेक्स्ट फेज में हम डेटा जो है वो मॉड्यूलेटर के पास करते हैं। मॉड्यूलेटर क्या करता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो एक डिजिटल डेटा को मल्टीप्लेक्सिंग करने का एक मेथड होता है, उसकी सहायता से वो पहले मॉड्यूलेट करता है, उसके बाद में वो डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है और चैनल के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है, जो नॉर्मल जो टेलीफोन लाइन्स होती हैं उसके ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए, तो चैनल के ऊपर। चैनल में अगर रास्ते में कोई नॉइस आता है तो नॉइस भी ऐड हो जाता है। डीमॉड्यूलेटर साइड पे अगेन वापस से रिवर्स हैपनिंग होती है, एनालॉग से वापस से डिजिटल में कन्वर्ट होता है, डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद में वापस से रिवर्स मॉड्यूलेशन होता है। चैनल डिकोडर के पास में जाता है डेटा, चैनल डिकोडर वापस से अगर कोई एरर आता है तो एरर करेक्शन कोड्स की सहायता से उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। एनक्रिप्शन अगर कोई हुआ है तो उसको वापस से डिक्रिप्शन करेगा। सोर्स डिकोडर के पास में जाता है और लास्ट में रिसीवर को रिसीव हो जाता है। यहाँ पे सोर्स एनकोडर जो है वो कंप्रेस करता है डेटा को मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में, चैनल एनकोडर एरर करेक्शन कोड्स और बाकी चीजें करता है इसमें। डिजिटल जो मॉड्यूलेटर होता है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और के साथ में मॉड्यूलेशन करता है और एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करके इसको चैनल पर ट्रांसमिट करता है।
चैनल क्या करता है कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको रिसीवर्स के एंड से, सॉरी सेंडर के एंड से, सेंडर यानी सोर्स के एंड से कैरी करता है और रिसीवर के एंड तक वो ड्रॉप करता है उसको, यानी ट्रांसमिट करता है। इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं उसमें दो ही लेवल होने की वजह से काफ़ी इजीली हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटर्स एम्पलीफायर्स के तरीके से काम नहीं करते, ये सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनको एम्पलीफाई ना करके उनको रीजनरेट करते हैं, उनके ओरिजिनल लेवल पर रीस्टोर कर देते हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल मानिए कि जो सिग्नल है वो ट्रैवल करते करते थोड़ा वीक हो गया, तो 5 वोल्ट का सिग्नल 4 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही वो 4 वोल्ट वाला से जो सिग्नल मिलेगा उसको वापस से रिस्टोर कर देगा 5 वोल्ट पर। और एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जिसको हम कहते हैं 2.5 वोल्ट को वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मानता है, उससे नीचे के सिग्नल्स को नॉइस सिग्नल्स मानता है। तो नॉइस सिग्नल्स जैसे ही आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चैनल के अंदर 1 वोल्टेज का नॉइस सिग्नल ऐड हो गया, तो रिपीटर क्या करेगा उस 1 वोल्टेज को वापस से 0 वोल्ट पर रीस्टोर कर देता है। तो इस तरीके से वो नॉइस सिग्नल्स को इलिमिनेट कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छी नॉइस इम्यूनिटी भी शो करते हैं। ये इनके जो डिवाइसेज होते हैं वो साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। इनमें एरर करेक्शन, कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, ये सारी की सारी सुविधाएं पॉसिबल है। ये चीज़ें एनालॉग सिग्नल सिस्टम्स में पॉसिबल नहीं है, ये केवल डिजिटल सिस्टम्स में ही पॉसिबल है। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास में कोई फीडबैक या सजेशंस हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। अगेन वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट कीजिए। ये ना केवल आपको स्वस्थ रखेगा बल्कि देश की इकोनॉमी को भी अच्छा रखेगा। और कोरोना और जितने भी संक्रामक रोग हैं जो कि करेंसी को टच करने से एक से दूसरे में फैल सकते हैं, उनको भी फैलने से ही रोकता है। तो आप लोग डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करें, ये आपकी ना केवल करप्शन, ब्लैक मनी और फेक करेंसी को भी रिमूव करता है। थैंक यू सो मच।